आज का ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक सोनी 32 इंचेस का टीवी है जिसके अंदर नो डिस्प्ले की कॉम्प्लेन है। फर्स्ट हम देखते हैं मॉडल नंबर इस टीवी का। यहाँ पर टीवी का जो मॉडल नंबर है वो KLV32EX330। ओके, अब हम प्रॉब्लम को देखकर इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। टीवी स्टैंड बाई से रिलीज हुआ पर यहाँ पर कोई डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो टीवी का पावर ऑन है फिर भी कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या कंप्लेन हो सकता है अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसी बाहर से, तो यहाँ पर दो केसेस हो सकता है। एक बैकलाइट का कंप्लेन हो सकता है और दूसरा है कि डिस्प्ले का भी कॉम्प्लेन हो सकता है। तो आप यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको, आपको पता ही होगा कैसे चेक करना है। अभी यहाँ पर जैसे हम इस पैनल के अंदर टच करके देखेंगे थोड़ा सा मार के, तो यहाँ पर क्या होगा, बैकलाइट दिखेगा अगर बैकलाइट ओके होगा तो, पर यहाँ पर कोई बैकलाइट नजर नहीं आ रहा है। और कोई पिक्चर भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर फिलहाल, मतलब यहाँ पर कोई बैकलाइट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर, यहाँ पर टीवी रिलीज हो गया और बैकलाइट नहीं जल रहा है, ऐसे केसेस बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा ऐसे कॉम्प्लेन। या तो ज़्यादातर क्या होगा, टीवी 6 टाइम ब्लिंकिंग करने लग जाएगा थोड़ी देर चलने के बाद, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको कोई ब्लिंकिंग नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर बैकलाइट का इशू होगा 100% ब्लिंकिंग आना ही चाहिए यहाँ पर, 6 टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग होना ही चाहिए, पर यहाँ पर ब्लिंकिंग नहीं आ रहा है। इसीलिए पूरा टीवी को खोलकर आपको चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अलावा बैकलाइट का कॉम्प्लेन अगर होगा तो टीवी में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। टीवी चालू हुआ फिर एक बार रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेन मिला है इसके अंदर टीवी पावर ऑन है पर ये कोई ब्लिंकिंग में नहीं जा रहा है और बैकलाइट भी नहीं जल रहा है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। अभी हम टीवी को ओपन किया और टीवी के अंदर ये वाला बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही हम खोला टीवी को और उसके बाद हमको इस बैकलाइट एरिया में जम्पर देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो बैकलाइट का PWM सेक्शन का जो वायर है, जो बैकलाइट डिम करने के लिए जो 4 वायर्स रहते हैं उसको यहाँ पर जम्पर किया हुआ है। जिसके लिए हमको 6 टाइम में ब्लिंकिंग नहीं दिख रहा था इस टीवी के अंदर। क्योंकि अगर बैकलाइट का जैसे ही सोनी टीवी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहाँ पर 100% 6 टाइम एरर आपको नजर आएगा। पर यहाँ पर इस 4 पॉइंट को जम्पर मानने के लिए ये कोई प्रोटेक्शन मोड में नहीं जा रहा है, तो जिसके लिए हमको स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद भी बैकलाइट नहीं दिख रहा है ना कोई ब्लिंकिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीवी कुछ दिन चला इस जम्पर मारने के बाद, फिर उसके बाद अभी क्या हुआ, जैसे ही लाइट खराब हो गया और टीवी बंद हो गया होगा। तो अभी आगे का प्रोसेस देखना है। तो हमको ये कंफर्म पता चल गया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो बैकलाइट का ही प्रॉब्लम्स है। अगर बैकलाइट का कंप्लेन नहीं होगा तो LED ड्राइवर का भी हो सकता है। तो हम जैसे ही इसको चेक करेंगे अंदर पूरा ओपन करके बैकलाइट वगैरह को चेक करेंगे तो हमको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बैकलाइट को ही फर्स्ट हम चेक करेंगे इसको पूरा ओपन करके।
अभी पैनल को रिमूव करने के बाद ये जो रिफ्लेक्टर होता है इसको पूरा साथ पूरा एक ही साथ निकाल के एक साइड में रख देना है। इसको उल्टा पलटा नहीं करना है। अगर इसके अंदर चेंजेस आएगा तो आपको जब टीवी चालू करोगे तो वहाँ पर लाइट का भी चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। सो ये ध्यान से संभाल कर रखना है एक साइड में। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस बैकलाइट को ही पहले चेक कर लेंगे कि बैकलाइट ऑन है या खराब है। अब इस बैकलाइट को चेक करने के लिए ऑब्वियसली हम एलईडी टेस्टर यूज़ करते हैं। हाँ, आप वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जिसको बैकलाइट वगैरह रिपेयर करना पहले से आता है तो इस वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि ये एक बिगिनर्स लेवल के लिए है और मेरे को ज़्यादातर जो फ़ोन कॉल्स में कांटेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर कस्टमर करते हैं। सो यहाँ पर कस्टमर जो होते हैं उनको भी यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि उनका टीवी के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या चीज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 4 LED स्ट्रिप लगा हुआ है। यहाँ पर कोई LED ऑन नहीं हुआ, दूसरा पेयर में भी, तीसरा पेयर में भी ऑन नहीं हुआ, चौथा पेयर में भी ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जितना भी LED स्ट्रिप है ये अभी क्या हुआ, ओवर करंट कंज्यूम कर करके पूरा खत्म हो चुका है, जिसके लिए अभी LED टेस्टर से एक LED भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर जो टेक्नीशियन इसको पहले रिपेयर किया था अगर उस जगह पर जम्पर ना मार के LED रिप्लेस कर देता तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, दोबारा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो हमारा यही एक गलती होता है। सो इस गलती नहीं करना चाहिए। तो आपके अंदर यहाँ पे बैकलाइट का इशू आ रहा है तो आप पूरा बैकलाइट को ही रिप्लेस कर दो ताकि ये कॉम्प्लेन वापस ना आए। सारी कनेक्टर को निकल लेना है आराम से और ज्यादा हड़बड़ी करके काम नहीं करना है, क्योंकि यहां पर जो लॉक है वो टूट जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। अब यहाँ पर पीछे एक लॉक है जिसको आप यहाँ से बैंड करके वहां से बाहर निकलना पड़ेगा LED स्ट्रिप को, फिर आप धीरे से खींचोगे तो आराम से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस में आपको सारे LED को निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस LED का बैक साइड जितना भी LEDs हैं पूरा बर्निंग हो गया है। तो ऐसे टाइप का LED अगर आपको देख रहा है तो उसको आप ब्लैंकली रिप्लेस कर दो। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आगे जाके कुछ दिन बाद जाके ये कॉम्प्लेन करेगा 100%। तो आप एक ही काम को बार बार क्यों करना है, एक ही बार में ख़त्म कर डालो जो प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, LED को अरेंज करना है जहाँ पर अवेलेबिलिटी होता है, और ये जो LED है अवेलेबल मिल भी जाते हैं, मतलब आपको मार्केट में मिल जाएगा। पहले अवेलेबिलिटी कम था तो हम उसको दूसरे मेथड से रिपेयर करते थे, पर यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, LED को ब्लैंकली रिप्लेस करना है। यहाँ पर देखो ये सारी न्यू LEDs इंस्टॉल हो रहा है। अगर इस वीडियो कोई कस्टमर देख रहा है तो कस्टमर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन करता है कि इस LED की कितना कॉस्ट होंगे, इसका रिपेयर का कितना कॉस्ट होंगे। सो यहाँ पर जो LED अगर आप सर्विस सेंटर से रिपेयर कराओगे तो 3000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3000 की अकॉर्डिंग में भी हो सकता है सर्विस सेंटर से। अगर किसी टेक्नीशियन से कराओगे तो इससे कम में हो सकता है। ठीक है, जो LED TV रिपेयर करता है।
तो ये डिपेंड करता है जो एरिया का टेक्नीशियन है वो कैसे चार्जिंग कर रहा है। अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको कम चार्ज लगेंगे, अगर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स मंगाने में टाइम लग जाता है, मतलब 1-2 दिन टाइम लगता है कुरियर में आने में, ठीक है। और ये परफेक्टली आपको सारी जो है ए और बी देखकर सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका मार्किंग है दिया हुआ है कहाँ पर ए लगेगा कहाँ पर बी लगेगा, क्योंकि ए की जगह बी लगाओगे तो यहाँ पर सेट नहीं होगा, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप भूल गया तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो उस अकॉर्डिंग में आप LED को सेट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। अभी हम क्या किया, पूरा LED को रिप्लेस कर दिया और TV को आगे से पैक कर दिया, पैनल को पैक कर दिया। और यहाँ पर जो टेक्नीशियन जम्पर मार के रखा था PWM सेक्शन को, तो हम इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उस जम्पर को, क्योंकि हम न्यू स्ट्रिप इंस्टॉल किया तो यहाँ पर जो ऐसे जम्पर मारने की जरूरत नहीं है। अगर TV ऑन नहीं हो रहा है, आगे जाके कोई कॉम्प्लेन होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर से 6 टाइम ब्लिंकिंग, तो हमारा दो सेक्शन, दो और सॉल्यूशन से जो यहाँ पे IC का दिक्कत होता है, ठीक है, तो उसका IC अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव भी कुछ सिस्टम है जिसके जरिए हम आगे के प्रॉब्लम्स को बाईपास कर सकते हैं। तो ऐसे 6 टाइम ब्लिंकिंग का मेरा और भी 1-2 वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो। तो फिलहाल अभी इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो TV है वो टोटल चालू हो गया अभी, तो ये जो कॉम्प्लेन था बैकलाइट का ही कॉम्प्लेन था, बैकलाइट रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स होता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग में एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जेन्युइन मेथड है मैं उसी मेथड को ही प्रेफर करूंगा जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है और दोबारा कॉम्प्लेन ना आए। ऐसे काम करोगे तो आपका कस्टमर वापस आपके पास ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम आगे करना चाहिए। अगर ऐसे सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आई होप डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो अप हो सकता है। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको पता भी हो सकता है, और जिनको पता नहीं है वीडियो उन्हीं के लिए ही था, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।